डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है क्योंकि वो एक नई जिंदगी को इस दुनिया में आने का मौका देता है, लेकिन कभी कभी इसी भगवान की लापरवाही इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देती है। ऐसा ही एक मामला देवगढ़ के समीप अंजना गांव के रहने वाली कमला रेगर के साथ हुआ। कमला ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवगढ़ के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमावत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने संबंध में राजसमंद कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता ने बताया कि उसे 9 साल बाद मां बनने का मौका मिला, लेकिन किसी कारण से उसे चिकित्सक अशोक कुमावत ने सीजेरियन ऑपरेशन आवश्यक बताया। 15 अगस्त 2021 को ऑपरेशन के दौरान लड़के का जन्म हुआ और डॉक्टर की लापरवाही के कारण उसे प्रसव के 5 दिन बाद पेट दर्द शुरू हो गया। जब वो चिकित्सक के पास गई तो उसने अगले दिन आने को बोला, लेकिन दर्द ज्यादा होने से उसने जिला चिकित्सालय में जांच करवाई तो सर्जन ने उसके पेट में मवाद होने की बात कही। 2 दिन बाद उसका ऑपरेशन किया गया, मवाद को निकाला गया, उसके बाद भी पीड़ा कम नहीं हुई। उसके बाद उसकी बच्चादानी में गांठ हो गई। निजी अस्पताल में चिकित्सकों की सलाह पर उसने MRI करवाई। वहां लगातार पीड़ा होने से देवगढ़ के एक निजी चिकित्सक ने परामर्श कर फिर से ऑपरेशन करवाया। जब ऑपरेशन चल रहा था, वहां के चिकित्सक ने उसे थिएटर में बुलवाया, जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसकी बच्चादानी में एक कपड़ा रह गया था, जिसके कारण संक्रमण हुआ और मजबूरन उसकी जान बचाने के लिए बच्चादानी निकालनी पड़ी। अब वो कभी मां नहीं बन सकती। पीड़ित दंपत्ति ने राजसमंद कलेक्टर से आरोपी चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई करने और उसे न्याय दिलाने की मांग की है। नवभारत समाचार राजस्थान के राजसमंद से हस्तिमल साहू की रिपोर्ट। मतलब 15 अगस्त को मेरे सीजेरियन वाला था, 9 साल बाद मतलब डिलीवरी हुई थी ऑपरेशन, तो डॉक्टर की लापरवाही की वजह से उन्होंने अंदर गोह छोड़ दिया था बहुत बड़ा, और अंदर टांके भी नहीं लेते, खुला छोड़ दिया। तो अब मैं कभी जिंदगी माँ भी नहीं बन सकती हूँ, तो मुझे न्याय चाहिए। और बच्चेदानी पूरी तरह से ख़राब हो गई थी, चमड़ी भी काट काट के निकले, अब भी मेरा दर्द हो रहा है मतलब बहुत सारा। कितने ऑपरेशन हुए? 3 ऑपरेशन हो गए। अब क्या चाहते हैं डॉक्टर? डॉक्टर के लिए कार्रवाई की जाए और मुझे न्याय चाहिए। जिंदगी खराब, मेरी जिंदगी खराब कर दी, और भविष्य में की माँ भी नहीं बन सकती हूँ। 15 अगस्त को सीजरिंग हुआ था CSC पे, वहाँ पे CSC पे सीजरिंग होने के बाद में 15-20 दिन बाद में पस कलेक्शन हुआ। उसका फिर इंसिजन लगाया महावीर हॉस्पिटल में, पस निकला। उसके 15-20 दिन वापस रोल हुई तो सर ने MRI के लिए एडवाइस किया। MRI कराने के बाद में सर को दिखा, सर ने कहा कि भाई यूट्रस, ये इन्फेक्शन यूट्रस से कनेक्टेड है, से लीवर किडनी और फिर उसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है। ऑपरेशन के बाद में सेप्टिसीमिया हो सकता है, पूरा पस कलेक्शन होगा तो एंडोसोर डेड भी हो सकती है। तो लेकिन हमने हमारे ऊपर पूरी जिम्मेदारी ली, तब जाकर सर ने ऑपरेट किया। ऑपरेट करने के बाद जब ओपन किया तो उसके अंदर यूट्रस के ऊपर की लेयर सीट जो पूरी ख़राब हो चुकी थी, पर वहाँ जहाँ पर कपड़ा पड़ा हुआ था यूट्रस भी खुला हुआ था। और कपड़ा मेरे को सर ने अंदर बुला के मेरे को सर ने बताया कि इस कपड़े की वजह से ये सारी प्रॉब्लम हुई है। कितने ऑपरेशन हो गए? 3 ऑपरेशन हो गए इसके समय। अब क्या चाहते हैं? हमारे को न्याय किया जाए, हमारे साथियों के तो डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उचित न्याय किया जाए, मुआवजा दिलाया जाए, ताकि भविष्य में किसी गरीब आदमी के साथ में